1. याद रखिएगा, जिसके हलाल का ताल्लुक इंसान की इबादतों से है, जिसके हलाल का ताल्लुक इंसान की दुआओं से है, जिसके हलाल का ताल्लुक समाज, कौम और माशरे के बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, जिसके हलाल का ताल्लुक इंसान के माशरे से जुड़ा हुआ है, हर सच इस बात को याद रखे कि पाकीजा रोजी हमेशा पाकीजा माशरे को जन्म देती है। 2. अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह मायदा आयत नंबर 3 के आखिरी हिस्से में, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदितु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने अपनी नियमत को तुम पर तमाम कर दिया और दुनिया इंसानियत के जिस दीन से रजामंद हो गया हूँ वो दीन इस्लाम। आज मैंने अपने दीन को तुम पर मुकम्मल कर दिया, अपनी नियमत को तुम पर तमाम कर दिया और दुनिया इंसानियत से जिस दीन से मैं रजामंद हो गया हूँ वो दीन इस्लाम। 3. हाकी खेलने वाला नहीं, कोई सियासी पार्टी का लीडर नहीं, बल्कि मेरा आइडियल मक्का की गलियों में लोगों को दीन की दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और उनकी गालियां सुनने वाला और ताइफ की वादियों में बेयारो मददगार फिरने वाला और वहां के ओबाशों और बदमाशों के पत्थर खाने वाला और रात भर जाग जाग कर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने वाला खुद हमारा नबी। 4. मेरे भाइयों, हम और आप अपनी इबादतों का मुहासबा करें, अपनी इबादतों का जायजा लें कि हम और आप अपनी इबादतों के अंदर वो लज्जत, वो मिठास जो अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है, उस लज्जत और मिठास को हम अपनी जिंदगी में पाते हैं या नहीं पाते हैं।